हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड फर्स्ट ऑफ जैन। एंड आज का मेरा ट्रैवलिंग है। ओके, आज मैं हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चेंजेस आना भी जरूरी था ना, इसलिए। एनीवेज, होप ये वीडियो और ये व्लॉग अच्छा रहेगा। सो एक तारीख के दिन ट्रैवल तो नहीं करना चाहिए, मिथ है, पता नहीं क्या, घर वाले ऐसे बोलते मतलब ज़्यादातर। लेकिन आज फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि गाड़ी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। सो आज का जर्नी और कालिम्पोंग जा रहा हूँ, कालिम्पोंग में जाके दोस्तों के साथ मिलना, और वहाँ पे हमारा 10 दिन का प्रोग्राम है, इसीलिए इसके वजह से मैं जा रहा हूँ। सो होप यू गाइस एंजॉय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2023, गॉड बी विथ यू ऑल दिस ईयर। हम पशुपति में, ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, और यहाँ पे बहुत जाम हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम है ऑब्वियसली, और पिकनिक के लिए सब लोग जा रहे हैं ना। सो गाइस, अभी मैं सीमाना में हूँ। सीमाना ये बहुत ठंडी जगह है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ नीचे मानी भंजंग, ऊपर ये वाला, और ऊपर जाते चित्रे चित्रे गुम्बा, और बादल से ढका हुआ संदकपू, वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट स्पॉट। एक तारीख के दिन ट्रैवल कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि एक तारीख को जो भी करो साल भर करना पड़ेगा, शायद हो भी सकता है, नहीं भी, विश्वास तो नहीं है, फिर भी मज़ा आ रहा है। अभी दार्जिलिंग पहुँचने में 1 घंटा है, उसके बाद दोस्तों से मिलके, दो बहन है उन लोगों के साथ मिलके हम कालिम्पोंग जाएंगे। बहुत ठंड है। सो गाइस, आई रीच्ड दार्जिलिंग। कैथीड्रल चर्च का मास हो रहा है, अफसोस में देर से पहुंचा, लेकिन शाम को है हमारा मास। पैरिश हॉल में जाके अपना लगेज रख दिया, सिमरन को वेट करना है, सुबह थोड़ा काम है, अभी मैं थोड़ा टहलने के लिए जा रहा हूँ। दार्जिलिंग का चहल पहल 1 जनवरी के दिन। आज का दिन मौसम बहुत खराब है, सूरज कहाँ है? तो आखिर मिल गए, आज बहुत हिंदी चल रहा है। सो फाइनली सिमरन मिल गई, दो ब्लॉगर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करेंगे। अच्छा, तो अब हम गाड़ी के लिए दौड़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी है या नहीं है वो भी मालूम नहीं है, गाड़ी कंफर्म करके बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। हम दार्जिलिंग टू कालिम्पोंग का टिकट काउंटर में, और लगता है कि गाड़ी भी है, टिकट भी है। इतना अंधेरा है भाई, कोई नहीं है यहाँ पे। तो अपना अपना लगेज उठा के हम जा रहे हैं। जुलियाना का मास चल रहा है। ये है हमारा आज का यात्रीगण, कृपया ध्यान दीजिए, ये है हमारा आज का वाहन है। और यहाँ पे एक समस्या आ गई, हमारा एक और दोस्त बहन जुलियाना अभी लीजा हिल में है, उसे आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अगर ये गाड़ी भर गया तो हम निकल जाएंगे। हमारा यहाँ पे इतना दम घुट रहा है ठंड की वजह से, आज उतना ठंड नहीं है, मुझे ऐसा आवाज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा था ना ये भारी। अभी टाइम हुआ है 11 बज पे, और हमारा यात्रा शुरू हो गया। मिलते हैं सीधे लॉकचू में। अभी 12 बज गए, 1 घंटा हो गया दार्जिलिंग से घूम आने का, इस जाम के वजह से। ऊपर से भूख लग रहा है, पेट में चूहा दौड़ रहा है। पता नहीं कब पहुंचेंगे कालिम्पोंग। आज का न्यू ईयर ना इतना बहुत शानदार हो रहा है, भूख से तड़प रहा है, तो साल भर हम भूखे ही रहेंगे।
लास्ट इयर त मेरो न्यू इयर त भक्कु खाएको थिएँ मैले यसले त पिछले साल बहुत खाया ना इसलिए इस बार हमारा यही होगा साल भर हम गाड़ी में ट्रैवल करेंगे और भूखे रहेंगे बारह से साढ़े बारह भी हो गया घूम से जोर बंगला पहुंचने में आधा घंटा लग रहा है उससे भी ज़्यादा हो रहा है और ये लाइन कभी ख़त्म नहीं हो रहा है देखिए उधर से आ रहा है हम तो नहीं जा रहे हैं एक घंटे बाद का अपडेट हम पहुंच गए हैं लपचू अबो हिंदी अब से बोल रहा है भूख लग रहा है भूख भी मर गया है अब एक घंटा हो गया फिर जाम में जाम बोलते बोलते और भूख बढ़ रहा है ब्रेड और जाम मिलता तो अच्छा होता उसके साथ चाय भी मिलता तो अभी बंदे को इसे धोखाऊंगे जाना ऐसा नहीं होगा फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं लपचू का इस फेमस रेस्टोरेंट में हम जब भी आते हैं लपचू यहीं पे आते हैं यहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं हमने आज तो चिकन ऑर्डर कर दिया चिकन राइस ऑर्डर कर दिया खाना था एक्चुअली आइदर नूडल्स या मोमो पर आज क्या हुआ कि भूख इतना ज़्यादा लग रहा है ना एक प्लेट दो प्लेट मोमो से नहीं होगा इसीलिए सीधा ही चावल मंगा दिया तो हम खाएंगे वो नहीं दिखाएंगे उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे भी रेडी है भूख का प्यासा है हम सब चलो गाइस डाउन भइसक्यो अन्त नखानु थ्याङ्क यू एस मलाई चाहिँ यहाँको यो मनपर्छ नि त मकै चामल यस यस हम पहुँच गए कालिम्पोङ और ये है 8 माइल का पेट्रोल पम्प सो एक्चुअली लंच के बाद ना इतना थकान हो गया कि हम रास्ते में बात करते हैं अब यहाँ पे दूसरा गाड़ी वेट कर रहे हैं हमारा भाई युगल आ रहा है गाड़ी लेके तो हमारे ना सामान ज़्यादा है यहाँ पे इसी वजह से तो हमें अभी टाइम हुआ है 3:15 ऑलमोस्ट 4 घंटा लग गया हमको यहाँ तक खाने को एनीवेज अब जूली को वेट कर दीजिए जूली बाद में आएगा आज का थोड़ा प्रोग्राम है शाम को आप लोगों को वो भी अपडेट करेंगे गाड़ी आ गया अब हम यहाँ पे जा रहे हैं हमारा बैग इतना ज़्यादा है ना इस बैग के वजह से रुको भाई हम वहीं पे आएगा तो गाइस हमारा आज का सफ़र यहीं तक था और भाई भी आ गया हमको लेने ड्राइवर भाई आ गया सो ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा भाई युगल वो सिक्किम से सुबह को आया था सुबह यानी कितना बजे आया बखर दो बजे आया एक घंटे पहले एनीवेज हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा अंकल भी अंकल तो क्या ड्राइवर दाजू भी बहुत अच्छे थे ना इतना जल्दी भी नहीं था भाई आस्ते आस्ते ज्ञान जोखिम में मत डालना अरे क्यूट सा है सो ये है हमारा आज का रहने की जगह शायद ये है ना भाई ओ भाई ये दरवाजा तो खोल दे हेलो फ्रेंड्स टॉय पिलो है मेरा बहन भी आ गई सॉरी फाइनली ये हमारे गाड़ी से 20 मिनट का दूरी में था पर बहुत ज़्यादा खाना खा रही थी इसीलिए बहुत देर कर दिया अब हम चाय पी रहे हैं चाय के बाद हम मास के लिए जाएंगे अभी हमारा मास शुरू होने जा रहा है और शाम के 5:10 हो गया है सो मेरे पास रेडी हो रहा है ये जेनरा होम का चैपल है यहाँ पे सब रिटायर्ड प्रीस्ट यहीं पे रहता है आफ्टर मास हम जा रहे ओके ओके हमारा दोस्त आ गया है
आज हिंदी का ब्लॉग है, हम भी भाड़ा दिखाएंगे ना, हमारा बड़ा बड़ा बोर्ड तो नहीं, हम जा रहे हैं खाना लाने के लिए है, हम इतना आलसी है कि हमें पकाना नहीं आता इसलिए हम जा रहे हैं। हाँ सेंट रिजा कितना सुंदर दिख रहा है रात में, हमें क्या पता ये पेरिस प्रिस्ट का है। अरे टोक्सिमो, अच्छा तो हम अपना अपना बर्तन लेके जा रहे हैं। क्या हुआ कि हमें एक्चुअली किचन भी है हमारा, सब कुछ है, फिर भी सिस्टर हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं ना, सिस्टर हमको पार्टी दे रहा है इसलिए हमको बुलाया है सब लाने के लिए, हम जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा बर्तन क्यों, यानी ये देखिए इतना ज़्यादा खाते हैं ये भाई। हाँ आगे भी है, ये दिखने में इतना इसका बॉडी दिखने में इतना छोटा है फिर भी खाना ज़्यादा खाता है, खाती है। ये भी है, हम फिर से आए हैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालत ये है, हालत ये हाल दिन हमें दुख कर हमारे लिए न्यू ईयर पार्टी। बाय सिस्टर्स, थैंक यू सिस्टर, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे देखिए कितना तड़प है, सब लोग बर्तन में आग गाढ़ा हुआ है। अच्छा सबका पता नहीं, मेरा तो बहुत बढ़िया है। यो तो ये कोले ऐड गरे ना बोक्ने कि तेले रहता मैले गर्ने हो गया आज का। और ये है सेंट रिजा चर्च, हाथ में नीचे से मतलब फ्रंट व्यू इतना सुंदर दिख रहा है। डेकोरेशंस, वी आर बैक, हमारे लिए यहाँ पे एक केक रेडी है, सिस्टर ने हम लोगों को दिया है। यहाँ पे शुरू हो गया हमारा खान पीन। ये तो बहुत मीठा है, तो बहुत मीठा है क्या वो? एंड सिस्टर दे हैव गिवन अस एप्पल्स, के पाटू ना अचार, चिप्स, और यहाँ पे हमारे लिए पोर्क दिया है, सीमी दिया है, चिकन भी दिया है, और यहाँ पे गुंजुक भी दिया है। और यहाँ पे राइस वार्म हो रहा है, तो सब कुछ उन लोगों ने दे दिया इसके लिए, बहुत आभार दिल से शुक्रिया। और अब हम इसको गर्म करके ना थोड़ी देर में खाएंगे। छुरी ना उधर है, उधर हेलो सबको, और हम अब केक काटने जा रहे हैं, मस्त है ना। तो अभी हमारा केक कटने वाला है। हृदय भरिको धन्यवाद चढाइरहेछु प्रभुलाई, हृदय भरिको धन्यवाद चढाइरहेछु प्रभुलाई, दिन के सचु उनको प्रेमको सटामा, दिन के केक खाने चाहिँ एक्सपर्ट हो भने चाहिँ चिनी हाले कटाइमै बुझिहाल्नु भयो कि कस्तो डर लाग्दो छ केक खाँदो रहेछ। प्रेसिडेन्ट ठिक छ, सोल्टीलाई बिर्सेको ठिक छ। भगवान से यही दुआ है कि इवाना का हर दिन बर्थडे हो। टेस्ट के साथ खाइदिनु न, अब उसको कटाई मात्रै कस्तो रहेछ आँखा देखिए। सो हम अब खाना खाने जा रहे हैं, ये बहुत बहुत गर्म है, आता था मामा मामा, ये बहुत गर्म है, कैसे खाए हमें पता नहीं। हाँ ये तो चिकन दिखने में बहुत ठीक है, सो गाइस डिनर हो गया और अब रात भर काम है, तो हमारा यहाँ पे बहुत सारा काम है पड़ा है, इसीलिए अब करने वाले हैं यहाँ पे ये सब सुविनियर के लिए, और टन्ने खा के अब
रात भर काम करेंगे और फिर सोने जाएंगे, और बहुत सारा काम है, कल का भी बहुत सारा काम है, कल का कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, बाय बाय।